जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज मैं सुनाऊंगी एक संत की कहानी जो अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीत लिए। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वे बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेटा, क्या बेचे? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर के पास रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भाग कर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपा करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत के चरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। तो ये होती है सच्ची भक्ति, जिससे भगवान अपने भक्त के लिए खींचे चले आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।